दोस्तों नमस्कार, मैं मार्केश, आप देख रहे हैं फ्लूट गुरुजी और स्वागत है दोस्तों आपका आज फ्लूट गुरुजी के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों एक सवाल जो हमको पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। वो पूछते हैं कि जब वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए बिगिनर, तो वो जब सा बजाते हैं तो वो सा प्रॉपरली नहीं बच पा रहा है उनसे, और जनरली होता है जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा खाली निकल जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि प्रॉपर कैसे ब्लो करें ताकि हमको सा बजाने में दिक्कत ना हो, ये वो पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में कवर करने वाले प्रॉपर ब्लोइंग टेक्निक क्या होती है फ्लूट बजाते वक्त, क्योंकि जब ब्लोइंग टेक्निक में हमारे डिफेक्ट होता है तभी होता है ऐसा कि हम फ्लूट से बजाने के बाद भी साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। सिंपल सी बात है, ब्लोइंग टेक्निक में सबसे पहली बात आती है कि आप फ्लूट को प्रॉपर प्लेस कर रहे हैं क्या। तो आपको मैं बता देता हूँ कि फ्लूट को प्रॉपर प्लेस कैसे करते हैं, कि यहाँ पर आपका लोअर लिप को आपको फ्लैट रखना है और इस होल को बराबर सेंटर में प्लेस करना है अपने लिप्स के। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी, राइट, तो ये लाइन पे आपको प्रॉपरली प्लेस करना है फ्लूट को और सीधा ऐसा रखना है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर आधा जो पार्ट है ये फ्लूट का हल्का सा, ये आपको विजिबल है, और आधा पार्ट जो है यहाँ पे हिडन है, राइट। तो ये मैंने ऐसे बराबर सेंटर में प्लेस किया है फ्लूट। तो ये जो मिडल लाइन है इसके बराबर मिडल में मैंने बांसुरी को लाकर रखा, और फिर मैं अपर लिप से यहाँ पे अंदर हवा पुश कर रहा हूँ। तो ये प्लेसमेंट की बात होगी। अब ब्लोइंग ऑफ द एयर कैसे करना है हमको, एयर ब्लोइंग करते हो आपकी पूरी जो हवा है ये अपर लिप से होल के अंदर जानी चाहिए, राइट। तो अंदर जब जाएगी तो प्रॉपर साउंड आ गया। कई बार ऐसा होता है हम सामने ही हवा ब्लो कर देते हैं तो वो होल के अंदर नहीं जाती है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, राइट। तो ये बात होगी प्लेसमेंट एंड ब्लोइंग ऑफ द एयर की। अब सेकेंड पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनना है आपको। प्रैक्टिस करते वक्त आपका एक स्पेशल एंगल मिलता है जो हर बांसुरी वादक का अलग अलग होता है उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट के हिसाब से। कोई कभी ऐसे एयर ब्लोइंग में कंफर्टेबल है, कोई सीधे एयर ब्लोइंग में कंफर्टेबल है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम स्ट्रेट एंड एकदम लीनियरली बजाना है, थोड़ा सा आप एंगल एडजस्ट करके देखना चाहिए तब आपका साउंड निकलता है। तो आप अलग अलग एंगल पर थोड़ा थोड़ा एंगल से ट्राई करिए, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे आवाज़ आ रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आवाज़ नहीं आ रहा है। तो जिस एंगल पे आपका प्रॉपरली आवाज़ आता है वो आपका नेचुरल एंगल है, आप उसको पकड़िए, राइट। तो ये था सेकंड पॉइंट कि आपको एंगल बराबर एडजस्ट करना है। एंड तीसरा पॉइंट तो ये है दोस्तों, आपको विद टाइम प्रैक्टिस से ही आता है साउंड प्रोडक्शन प्रॉपर, तो आपको रियाज करते रहना है कंटिन्यूसली। कई बार ऐसा होता है कि बिगिनर्स जल्दबाजी कर देते हैं, अगर आपको एक दो महीने भी हुए हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपका साउंड अच्छे से नहीं आता है कभी कभी, राइट। तो वो आपको प्रैक्टिस से बिल्ड करना है और आपको जल्दी से गिव अप नहीं करना है उस चीज पर। तो ये तीन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।